अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। गए वक्तों की लोग भी कितने सादा हुआ करते थे, जो मिला पहन लिया, जो मिला खा लिया, जो पसंद आया वो ओढ़ लिया, ना कोई तसन्नो ना बनावट। बाज़ जो है वो लोग ऐसा भी किया करते थे कि कहीं दूर का सफ़र होता था तो पैदल चलने से पहले जो है वो पाँव के जूते उतार लिया करते थे, कहते थे जूते घिस जाएंगे। तो वो दौर भी क्या दौर था, वो क्या जो है वो बेहतरीन ज़माना था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला गया, इंसान जो है वो भी जदीद होता चला गया। इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा कुछ शामिल हो गया जो पहले कभी उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। मसलन यही ले लें कि जो है ना वो जो है वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो हमारे पास, पहले हम तांगे पर सफ़र किया करते थे, उसके बाद जो है ना वो घोड़ा गाड़ियाँ आ गई, फिर जो है ना वो बैलगाड़ियाँ और जो है वो पगियाँ जो है वो आ गई, फिर कारें आ गई। तो जैसे जैसे दिन गुजरते चले गए वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई और इंसान जो है वो ख़ुद को उस रंग में ढालता चला गया। अब सूरत हाल ये है कि हम ब्रांड की बात करते हैं, जहाँ कहीं देखो इंसान ये चाहता है, बंदा ये चाहता है, आदमी ये चाहता है कि वो जो है वो ब्रांडेड हो जाए, ब्रांड के कपड़े पहने, ब्रांड के जूते पहने, ब्रांड की गाड़ी में घूमे, ब्रांड के जो है ना वो, ब्रांड के अलावा वो कुछ बात नहीं करता। हम आज एक ऐसी जगह मौजूद हैं जहां दुनिया के जो है वो अव्वलीन ब्रांडों में से एक ब्रांड ने जन्म लिया, उसे कहते हैं बाटा। बाटा के जूते जो है ना वो, अब तो खैर लोग जो है वो बाहर के जूते पहनना पसंद करते हैं, लेकिन एक वक्त ये था कि बाटा जो है वो इस मतलब अहद का या इस दौर का एक बेहतरीन ब्रांड जो है वो कहलाता था। जब बाटा, ये मेरे पीछे जो है वो बाटा की फैक्ट्री है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है बाटापुर, लाहौर से तकरीबन जो है वो 20-22 किलोमीटर दूर, यहाँ से और 2-3 किलोमीटर आगे जो है वो वाघा बॉर्डर है, जहाँ जो इस वक्त हमारी जो है वो मंजिल भी है और जहाँ हम जो है वो जाने के ख्वाहिशमंद भी हैं। ये बाटा जो है वो 24 अगस्त 1874 को इसकी इब्तदा हुई, यानी बाटा के जो जूते बनने हैं वो 24 अगस्त जो है वो 1874 को शुरू हुए। और एक दिलचस्प बात आपको मैं ये बताऊँ कि उस ज़माने में दो मुल्क हुआ करते थे जिनमें से एक का नाम था हंगरी और दूसरे का नाम था ऑस्ट्रेलिया। आज आप इन दोनों मुल्कों को चेक रिपब्लिक के नाम से जो है वो जानते हैं और इन जूतों के बनाने का आगाज़ जो है वो उसी चेक रिपब्लिक से हुआ जहाँ से बाटा शुरू हुआ 24 अगस्त 1874 को। यह जो फैक्ट्री जो आपके सामने है, इसका जो जो आगाज़ है ये हुआ 1942 में यहाँ बाटा की फैक्ट्री जो है वो लगाई गई और बाटा की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने बाटा के वर्कर्स के रहने के लिए एक रिहायशी कॉलोनी जो है वो बसाई। तो ये रिहायशी कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये एक पूरा शहर है। कहने को ये लाहौर से बहुत दूर है लेकिन यहाँ ज़िंदगी की तमाम तर सहूलतें जो है वो मुयसर हैं। बाटा इस वक्त जो है वो 18 मुल्कों में इसकी फैक्ट्रीज़ हैं और 70 ममालिक में बाटा के जूते जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो बाटा की जो सरकारी आउटलेट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 5,300 से ज़्यादा है। यानी बाटा को आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से एक है, उसी के नाम से ये बाटापुर है। और ये बाटापुर का इलाका जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये एक छोटी सी रिहायशी बस्ती थी जो फैक्ट्री में रहने वाले कारकुनों की रिहाइश के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब ये ख़ुद एक मुकम्मल शहर है। यहाँ ज़िंदगी की सारी सहूलतें दस्तियाब हैं और जो है वो अब लोग इस चीज़ को भूल गए हैं कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री है। अब ये कि ये एक लाहौर का सबर्बन एरिया है, मज़ाफात का इलाका है और जहाँ सब कुछ दस्तियाब है। तो ये है बाटापुर की कहानी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो है वो जो जूते वो पहनते हैं, बाटा के जूते जो पहनते हैं उसके नाम से बाकायदा एक इलाका आबाद है और उसे कहते हैं बाटापुर। यह है जी बियर वी नहर, एक अफसानवी नहर और एक ऐसी नहर जो पाकिस्तान के दिफा के तहफ़ुज़ में एक बुनियादी किरदार अदा करती है। BRB बम्बावाला रावी बेदियां लिंक कैनाल इसका पूरा नाम है और इसके एब्रीविएशन जो है वो मैंने आपको बताया कि BRB कैनाल। डस्का के करीब जो है वो नहर अपर चनाब और नहर लोअर चनाब से जो है वो ये निकलती है और ये जो है वो
फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉर्डर के करीब आती है। यहाँ से बॉर्डर जो है वो मुश्किल 5-6 किलोमीटर दूर है वाघा बॉर्डर, और उसके बाद जो है वो ये पाकिस्तान की दिफाई लाइन जो है वो तरतीब देती है। इसके साथ साथ जो ये जो बंद है, जो अपना नहर का जो बंद है, इसके साथ साथ जो है वो मोर्चे बने हुए हैं जो अमन की हालत में तो खाली होते हैं, लेकिन जंग की हालत में ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ जो है वो हमारी फ़ौज तैनात होती है। हालत जंग में जो है वो रेंजर्स जो है वो सरहद पर होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स और इंडिया की तरफ से जो है वो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये अमन के दिनों में जो है वो जो सरहद है उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार होते हैं। लेकिन जब खुदा नखास्ता कोई जंग शुरू हो जाए या हालात ख़राब हो जाएँ तो फिर रेंजर्स की जगह जो है वो आर्मी आ जाती है। 1971 और 1965 की जंगों में इस जो है वो नहर का बेहद अहम किरदार जो है वो रहा। इन जो है वो दोनों जंगों के दौरान जो है वो ये जिन इलाकों में बाटापुर जो है और जो जल्लो पार का इलाका जो हम पीछे छोड़ कर आए हैं और ये जो मोर्चे जो है वो हमने आपको रास्ते में दिखाए हैं, ये सारा इलाका जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था और इसकी नए सिरे से जो है वो तामीर हुई। अच्छा, ये जो नहर है ये इसकी जो चौड़ाई है ये 184 फुट है और इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 15 से 18 फुट मुख्तलिफ मकामात पर वैरी करती है, और 15 से 18 फुट जो है वो इसकी गहराई है। ये जो आप जो है वो एक छोटा सा रेगुलेटर देख रहे हैं, इस नहर से मैंने बताया कि जो है वो दिफाई हिसाब से तो ये आम है ही है, लेकिन ये लाहौर की खूबसूरती का है जो है उसकी भी जो है बुनियाद रखती है। ये नहर जो है ये लाहौर कैनाल के नाम से जो है वो ये मशहूर है और ये इसको लाहौर शहर की आर्टरी या लाहौर शहर की शहरक भी कहा जाता है। इसके दोनों किनारों पर सड़क बनी हुई है और जिसे लाहौर कैनाल रोड कहा जाता है। अगर आपने लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो तो वही जो सड़क जो इसके दोनों किनारों पर बनी हुई है वो जो है वो ट्रैफिक के काम आती है, उस पर बेतहाशा अंडर पासेस बने हुए हैं। और जो है वो ये जो नहर है ये 37 मील लंबी है, ये जो छोटी नहर है जो लाहौर कैनाल है 60 किलोमीटर तकरीबन इसका जो है वो लंबाई बनती है, 60 किलोमीटर के लगभग ये लंबी है। कहते हैं इसे मुग़लों ने खुदवाया था और जो है वो 1861 और 1863 के दरमियान जो है अंग्रेज़ों ने इसको रेनोवेट किया और 1947 के बाद से जो है वो इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती रहीं, दोनों साइडों पर सड़क बनाई गई, अंडर पासिस बनाए गए और जो है वो इस वक्त ये सड़क जो है वो लाहौर की खूबसूरती ही नहीं बल्कि लाहौर के कल्चर का एक बुनियादी हिस्सा है। तो ये वो नहर है VRB जिसे लोग जो है वो देखने भी आते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं। और 1971 की जंग में और जो है वो 1965 की जंग में मैंने पहले भी बताया कि आपने इस बुनियादी किरदार अदा किया। इसके किनारे जो है अच्छा, इसको जो है इचगुल कैनाल भी कहते हैं। इचगुल कैनाल जो है इस पर एक बार का भी लड़ा गया 1965 में, जब जो है वो 6 सितंबर को जंग शुरू हुई और 23 सितंबर को ख़त्म हो गई, लेकिन उस रात जो है वो एक मार्का लड़ा गया जिसे जो है वो आमतौर पर इचगुल जो है वो मार्का कहा जाता है। उसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने कोशिश की कुछ चौकियों पर कब्ज़ा करने की, लेकिन तारीख ये बताती है हमें कि वो कोशिश नाकाम रही। लेकिन और BRB को भी क्रॉस करने की बहुत कोशिश की इंडिया ने 1965 में भी और 1971 में भी, लेकिन BRB जो है वो बनाई ही इसी जो है वो दिफाई नुक्ता निगाह से गई है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से 24 किलोमीटर पीछे यानी ऊपर की जानब जो है वो रावी साइफन एक जगह है, वहाँ से जो है वो ये नहर दरिया रावी के नीचे से गुजरती है। साइफन ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ कोई नहर किसी दरिया के नीचे से जो है वो क्रॉस करती है, एक दूसरे का पानी मिलता नहीं है। रेगुलेटर्स बने हुए हैं दोनों साइडों पर, किसी वक्त आपको रावी साइफन का भी जो है वो विज़िट करवाएंगे। रावी साइफन जो है वो उधर से यानी डस्की की तरफ से जब ये नहर आती है तो अपना साइफन के ज़रिए ये ज़ेर ज़मीन चली जाती है, ऊपर से दरिया रावी बहता है और नीचे से ये जो है वो नहर क्रॉस करती है, उसे रावी साइफन कहा जाता है। और बड़ी मतलब दिलचस्प और अजीब सी जगह है, मज़ा आता है वहाँ जाने में। पहले वहाँ पुल नहीं होता था, बजरे चला करते थे जो है वो दरिया को क्रॉस करने के लिए, लेकिन जो है वो एयर सिलेंडर्स की मदद से जो है वो एक पुल पहले बनाया गया था। हम दिखाएंगे किसी वक्त आपको ले जाकर के वो पुल अब किस हालत में और क्या उस पुल को जो है वो किया गया है। ये सामने आपको जो है वो खैरा पुल नज़र आ रहा है, ये VRB को जो है वो मिलाता है। अमन के दिनों में तो इस पर ट्रैफिक जो है वो रवानदामा रहती है जो है वो, लेकिन खुदा नखास्ता अगर जंग हो तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि इन पुलों को जो है वो तोड़ दिया जाए ताकि दुश्मन जो है उसकी पेशकदमी को रोका जा सके। अच्छा, पीछे हमने जो है वो जल्लो छोड़ा है। जल्लो जो है वो लाहौर के जो 3 जो है वो बोटैनिकल गार्डन जो है वो उनमें से एक है। एक छांगा मांगा है, एक जो है वो लाहौर ज़ू है और तीसरा जो है वो जल्लो नेशनल पार्क है। 174 एकड़ पर मुहित है और जो है वो गोल्फ कोर्स से लेकर और जो है ना वो अपना रिक्रिएशन की तमाम तर सहूलतें जो है वो फराहम की गई हैं। इंशाल्लाह ताला किसी वक्त आपको जल्लो पार्क का विज़िट भी करवाएंगे और दिखाएंगे कि उसको जो है वो कितने जदीद अंदाज में और कितने बेहतरीन अंदाज में मैनेज किया गया है। ये हेडवर्क्स है।
6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख में इस हवाले से नहायत यादगार है कि हमारा जो रिवायती दुश्मन है भारत, उसने 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब को बगैर अनाउंस किए हुए, बगैर वार्निंग दिए हुए, बगैर बताए हुए जो है वो सरहद अबूर की और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उनके जो कमांडर्स थे उनका ये ख्वाब था कि वो लाहौर जिमखाना में बैठकर जो है वो शराब पियेंगे और पूरा दिन गुजार के रात को वो लाहौर पहुँचेंगे और जश्न मनाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज जो बिल्कुल तैयार नहीं थी, उसने दुश्मन के जो है ना वो हमले का भरपूर जवाब दिया। और ये जो जगह जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये वो पहला मकाम था जहाँ जो है वो लाहौर का दिफा करने वालों ने और पाकिस्तान का दिफा करने वालों ने दुश्मन के टैंकों को रोका। जब उन्हें इतला मिली तो ये जो जीटी रोड जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, ये वाघा के रास्ते जो है वो इंडिया में दाखिल होता है, अमृतसर जाता है, ये जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये लाहौर से यहाँ का फासला जो है तकरीबन 22 किलोमीटर है। और इसी जीटी रोड के रास्ते जो है वो टैंकों के दस्ते ने सरहद अबूर की और वो लाहौर की तरफ बढ़े। लेकिन जो पाक फ़ौज के जवान थे, जो पाक फ़ौज के जो अपना अपना जो हीरो थे, उन्होंने उन्हें रोका। और ये वो मकाम है जहाँ जो है ना वो यूँ कह लें कि आप पहला मार्का हुआ जंग सितंबर का। और जो है वो ये पूरी सरजमीन, जैसा कि मैंने जो है वो बताया आपको, कि इसका चप्पा चप्पा जो है वो शोहदा के खून से जो है वो रंगा हुआ है। ये उनकी याद में जो है मेमोरियल बनाया गया है, दोनों तरफ जो है वो सड़क है जीटी रोड, और उसके ऐन वस्त में जो है वो ये मेमोरियल मौजूद है जहाँ हम इस वक्त जो है वो खड़े हैं। तो इस पर जो है वो इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है बाकायदा, कि 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब को भारतीय मुसलह फौज बाकायदा ऐलान जंग किए, बगैर हमारी सरहदें अबूर कराई। दुश्मन ने लाहौर पर जल्द कब्ज़ा करने की नीयत से शुमाली सेक्टर में भीनी, मरगी सेक्टर में बाघा और जुनूबी सेक्टर में घुंडी, मतलब तीन तरफ से जो है वो उसने हमला किया। लेकिन जो है वो अल्लाह का फजलो करम हमारे साथ रहा और हमने जो है वो इंडिया की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। 17 दिन ये जंग जारी रही, जिसके बाद जो है वो 22 और 23 सितंबर के दरमियानी शब जो है वो जंगबंदी का ऐलान किया गया। लेकिन उस वक्त तक जो है वो बहुत से हमारे जवान जो है वो शहीद हो चुके थे और बहुत से ज़ख्मी थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उनके शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद कौम की हैसियत से यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो जगह है ये वाघा बॉर्डर से ठीक 8 किलोमीटर के फासले पर है। और ये यादगार जो है वो ये भी यहाँ पहले नहीं थी, बल्कि ये एक जो है वो स्लेब लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि ये यादगार पहले से यहाँ से इस डायरेक्शन में, जिस तरह मैंने हाथ उठाया हुआ है, ये 84 फुट के फासले पर थी, वहाँ ये नसब थी। लेकिन जब ये ड्यूल कैरेज वे बनाया गया, यानी सड़क को दोरोया किया गया, तो उसके बाद जो इस यादगार को जो रीलोकेट किया गया और यहाँ जो है वो नए सिरे से ये यादगार बनाई गई है। वरना पहली यादगार जो है वो यहाँ से कुछ फासले पर थी, जो 84 फुट लिखा हुआ है, ये असल यादगार नहीं, लेकिन ये बहरहाल उसी यादगार को जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और उसी की याद में जो है वो ये तख्ती नसब की गई है। कुरान मजीद में इरशाद गरामी है कि और अल्लाह की राह में शहीद होने वाले मुर्दा नहीं, जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। बाटापुर के साथ जो है ये मनावा के इलाके में हम खड़े हैं। यहाँ लाहौर का ये जो इलाका जहाँ हम मौजूद हैं, इसका चप्पा चप्पा जो है वो शोहदा की कुर्बानियों से जो है वो मुनव्वर है, रोशन है। यहाँ जगह जगह उन शोहदा और ज़ख्मियों का खून है, उसके निशानात हैं, उसकी परछाई हैं, उसके साए हैं, जो 1965 और 1971 की जंग में अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों से गए, या उन्होंने जो है वो अपना खून जो है वो इस देश की नज़र किया। ये शोहदा की यादगार है। मेरे पीछे ये कुरान मजीद की जो है वो आयत का तर्जमा लिखा हुआ है, इसके साथ ऐ राह हक़ शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। हम भी इन्हें सलाम करने के लिए यहाँ आए हैं। बाटापुर मार्का, बाटापुर 1965 का एक जो है वो नहायत यादगार और खूनरेज मार्का था, जिसमें जो है वो दर्जनों शहदा ने जो है वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उनको सलाम करने आए हैं।
बाटापुर के बिल्कुल साथ बनामा है। जीटी रोड और लाहौर से को तकरीबन 19 किलोमीटर का ये फासला है वाहगा बॉर्डर और लाहौर के दरमियान में। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ किन किन जो है वो रेजिमेंट्स की, किन किन बटालियंस की, किन किन कंपनियों की जो है उनके शहदा की यादगारें हैं। वो ख़ुद तो इस जहान से चले गए लेकिन वो अमर हो गए और ये उन्हीं की कुर्बानी है जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं, फ़ख्र से सर बुलंद कर सकते हैं और हम पाकिस्तान में रह रहे हैं किसी ख़तरे और किसी परेशानी के बग़ैर। तो आइए हम आपको जो है वो इस यादगार की जो है ना वो एक छोटा सा विज़िट कराते हैं। ये बलोच वन बलोच रेजिमेंट, ये सियाचिन के महाज पर जो है ना वो खिदमात जो है वो इन्होंने अंजाम दी। ये उनका एक छोटा सा जो है ना वो एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर उनकी कुर्बानियों का ज़िक्र भी है और उनकी जो है वो हिस्ट्री का ज़िक्र भी है। इस तरह के और भी बोर्ड हैं, वन बलोच रेजिमेंट सियाचिन के महाज पर द गैलेंट वन, ये इधर जो है वो एक और बोर्ड लगा हुआ है, ये हेड सुलेमान की सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में बलोच दी गैलेंट वन का किरदार। अच्छा ये सूरज की रोशनी की वजह से मे भी आपको रिफ्लेक्शन आ रही हो और ये सही पढ़ ना सके। ये पूरी एक प्लेट जो है वो कंधा है जिसके ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो पूरी तरतीब से जो 1965 की जंग, 1971 की जंग और उसके बाद जो है वो जो भी बलोच रेजिमेंट का जो किरदार रहा उसका जिक्र किया हुआ है। आइए इस तरह की तख्तियाँ जो है वो कई एक नसब हैं, एक और तख्ती की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उस पर जो है वो क्या लिखा हुआ है। ये देखें जी, ये एक और तख्ती है, ये भी वन बलोच रेजिमेंट का है, दी गैलेंट वन का किरदार ऑपरेशन राह रास्त में जो है वो ऑपरेशन राह रास्त शुरू किया गया था आर्मी की तरफ से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शुमाली वज़ीरिस्तान में और जो है ना वो जो अपना कालादम तालिबान तहरीक का खात्मा जो है वो किया गया उसके हवाले से बलोच रेजिमेंट का जो कैरेक्टर जो किरदार और ऑपरेशन राह रास्त में जो था वो इस पर रोशनी डाली गई है। ये जो है वो ये अकौम मुतहदा का जो लाइबेरिया में जो मिशन है जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो काम कर रहा है और जिसमें फर्स्ट बलोच जो है वो जो उसके जो कारगुजारी है वो इस पर दर्ज है। ये हमारे पीछे जो है वो एक और यादगार बनी हुई है, आइए वहाँ चलते हैं। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, अल्लामा इकबाल ने इन्हीं बहादुरों के लिए कहा था। ये भी फर्स्ट बलोच रेजिमेंट द गैलेंट वन के ऑफिसर और जवानों की तरफ से जो है वो अपने उन शहीद रफ़का की याद में जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत और बका के लिए अपनी जान कुर्बान की। ये फाजिलका सेक्टर ज़िला कसूर में दीपालपुर के अपना दीपालपुर के करीब जो है फाजिलका सेक्टर है उनमें जो ज़ख्मी हुए थे ये उनके नाम हैं। और ये जो फाजिलका सेक्टर में जो है वो जो शहदा जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया था ये उनके नाम, उनका गांव, ज़िला, ओहदा ये वो दर्ज है। ये 1965 की जंग के शहदा और ज़ख्मी हैं। और ये शहदा वाहगा सेक्टर और सरेखा के शहीदा, ये शहदा वाहगा सेक्टर है जी। और इधर आए ये ज़ख्मी जो वाहगा सेक्टर पर जो है वो 1965 की वार में जो ज़ख्मी हुए थे ये उनके नाम और जो है वही गांव, ज़िला, ओहदा ये उनके नाम दर्ज हैं। ये वाहगा सेक्टर के ज़ख्मी हैं। अच्छा वाहगा सेक्टर पर जो है ये ऊपर जंगी आज़ाद बराए जंग पाको हिंद कप्तान ज़हरुल इस्लाम अफरीदी साहब को सितारा जुर्रत दिया गया, अजब सूबेदार मोहम्मद असलम साहब को तमगा जुर्रत दिया गया और लांस नाइक राव मोहम्मद अनवर खान जावेद को सितारा इम्तियाज़ दिया गया। ये भी वाहगा सेक्टर के जो है वो जो ज़ख्मी हुए ये उनके जो है वो नाम इस पर दर्ज हैं। और ये शहदाए ऑपरेशन राह रास्त जिसका जो है वो ज़िक्र कर रहा था मैं कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो पाक फ़ौज ने जो ऑपरेशन शुरू किया था और ये सियाचिन में जो हमारे अब जो है वो शहीद हुए हैं ये उनके नाम हैं, उनके गांव का नाम, ज़िला, जाए शहादत और तारीख़ शहादत। तो ये जो है वो पोस्ट हैं, मुख्तलिफ हाजी पोस्ट, जमाल पोस्ट, सरमू पुल, लब्बैक पोस्ट,
आइए दो यादगारें और हैं, वो भी देखते हैं कि उन पर जो है वो क्या जो है वो लिखा हुआ है, क्या कंधा है। ये सड़क के किनारे बिल्कुल अलग से कतई अराजी मखसूस किया गया है ताकि जो है ना वो लोग जो है वो अपने जंगी हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो है वो यहाँ आ सकें। और लोग आते हैं, दुआ करते हैं ज़ख्मियों के जो है वो उनके इसाले सवाब के लिए, शहदा के इसाले सवाब के लिए, और यहाँ वो खराज अकीदत पेश करते हैं अपने वतन के उन जवानों को जिन्होंने उन्हें आज़ाद रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये जनाब अपना वार ऑन टेरर 1965 वार और 1971 वार जो है वो उसकी एक यादगार जो है वो बनाई गई है। ये 2011 में जो है वो इस यादगार को बनाया गया है। पहले ये सड़क के दरमियान थी, लेकिन अब इसे जो है वो एक बेहतर और मुनासिब जगह पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ये वो यादगार है जी, जंग शहदा, शहदा जो है वो, ये एक फहरिस्त है 1965 की जंग के शहदा की। ये फर्स्ट बलोच, ये सारी की सारी, ये 15 एफएफ रेजिमेंट, फिर ऊपर 15 बलोच के शहदा हैं, ये 114 ब्रिगेड है 16 पंजाब रेजिमेंट के, ये उनकी फहरिस्त है। ये 3rd बलोच रेजिमेंट की फहरिस्त है, और ये 11 बलोच रेजिमेंट, और ये 11 एफएफ रेजिमेंट। एफएफ से बनता है फ्रंटियर फोर्स, और ये पंजाब बलोच और फ्रंटियर फोर्स जो है उनके जवानों ने वतन अजीज़ का दिफा किया था, और जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश किया था, और उसमें ज़ख्मी हुए थे। ये सब उन लोगों की यादगार है ये, जो हमारे वतन अजीज़ की जो है वो हिफाजत करते हुए, जो हमारे वतन अजीज़ का दिफा करते हुए अपनी जानों से गए। ये जो है वो हिस्ट्री एक लिखी हुई है अपना बलोच रेजिमेंट की, और जो है वो पंजाब रेजिमेंट की, और जो है वो ये अपना मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद जी, ये हडियारा के मकाम पर जो है वो यहाँ से नज़दीक है, हडियारा के मकाम पर जो है वो राजा अजीज़ भट्टी 1965 की वार में उन्हें निशान हैदर जो है वो अवार्ड किया गया था, ये उनकी याद में तख्ती है। फिर जो है वो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद 1971 की वार में जो है वो इन्हें जो है वो निशान हैदर जो है वो अवार्ड किया गया था। ये उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, और ये जो है वो ऊपर 1965 के वार के शहदा की जो है वो फहरिस्त है, 23rd एफ डी रेजिमेंट आर्टिलरी, 24th एफ डी रेजिमेंट आर्टिलरी, मेडिकल रेजिमेंट आर्टिलरी, और ये 30 TDU इंजीनियर स्कोर, और सिग्नल स्कोर, जो भी मतलब हमारे जवान शहीद हुए जिस जिस स्कोर के थे, वो उनकी पूरी एक फहरिस्त है जो यहाँ आवेदा की गई है, लगाई गई है, ताकि जो है ना वो उन्हें जो है वो खराज अकीदत पेश किया जा सके। तो शहदा की बात करने के बाद जो है वो मेरा ख़्याल है कि कुछ और कहना जो है वो मुनासिब नहीं लगता। हम भी इन्हें सलाम करने के लिए हाज़िर हुए हैं, और यहीं से जो है वो आपसे इजाज़त भी लेंगे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।